नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल पे जिसका नाम है द गुरुकुल। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक फंक्शन। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के पहले सेट पढ़ना जरूरी था और रिलेशन पढ़ने के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना जरूरी था, सेम वे अगर आपको फंक्शन पढ़ना है तो आपको रिलेशन भी पढ़ना जरूरी है। तो जिन बच्चों ने रिलेशन पढ़ लिया है, आइए उनके लिए शुरू करते हैं फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब फंक्शन एक स्पेशल तरीके का रिलेशन होता है। उस स्पेशल रिलेशन को क्या कहते हैं वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। सो बेसिकली देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। पहली कंडीशन होती है एवरी एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव अ इमेज इन सेट बी। मतलब जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी को, तो हर सेट ए के एलिमेंट की एक इमेज होनी जरूरी है सेट बी में। और दूसरी कंडीशन कहती है एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी दो एलिमेंट्स के साथ लिंक नहीं हो सकता। तो ये हो गई थ्योरेटिकल बातें, जब तक हम एग्जांपल नहीं लेते हमें समझ नहीं आता, आई नो दैट। तो आइए अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये हो गया हमारा रिलेशन, अब हम देखते हैं इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे। तो हमें करना क्या होगा, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज निकालनी है। तो करके देख लेते हैं, जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो हमको y कितना मिल जाएगा, y is equal to 1-2, मतलब जब x 1 था तब y -1 था, क्लियर है। तो क्या ऐसा एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है, हमारा जो y है वो सेट b को बिलोंग कर रहा था और सेट b में कहीं पर भी -1 एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, x की जगह पर 2 पुट करके देखते हैं। जब x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो हमें y कितना मिलेगा, हमें y 0 मिलेगा, मतलब हमारी ऑर्डर पेयर बनेगी 2, 0, और y मतलब सेट b में हमें 0 एलिमेंट मिल रहा है, तो यस दिस इज द वैलिड ऑर्डर पेयर। सिमिलरली जब हम x की जगह पर 3 रखेंगे तो y हमें मिलेगा 1, राइट, तो 3, 1 इज डेफिनेटली वैलिड। और जब हम x की जगह पर 4 रखेंगे हमें y मिल जाएगा 2, क्लियर है। तो 4, 2 इज डेफिनेटली अ वैलिड ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर हम x की जगह पर 5 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू यहां से 3 मिलेगी, लेकिन 3 जो है वो सेट b में नहीं है, इसलिए 5, 3 इज नॉट अ वैलिड ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारा जो रिलेशन है उसमें हमें इतने एलिमेंट्स मिल गए हैं, क्लियर है। तो डेफिनेटली ये एक रिलेशन तो है, लेकिन अगर हम बात करें क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो हमें हमारी वही दो कंडीशंस चेक करनी होंगी। पहली कंडीशन हमने बोली थी कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। इसको थोड़ा सा एरो डायग्राम से समझते हैं। ये है मेरा सेट ए जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इतने एलिमेंट्स थे, और सेट बी ये है जिसमें हमारे पास 0, 1 और 2 ये 3 एलिमेंट्स थे। अब हम रिलेशन में जाके देखेंगे 2, 0 मतलब 2 इज लिंक्ड विद 0, 3 इज लिंक्ड विद 1 और 4 इज लिंक्ड विद 2, क्लियर है। हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन थी उसमें हमने बोला था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ इमेज इन सेट बी। तो यहां पर सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 और 5, इनकी कोई भी इमेज हमें नहीं मिल रही है, इसीलिए पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है। अब हम एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है, f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, हमें सेट a और सेट b दोनों दिए हैं और रिलेशन जो है वो यहां डिफाइन किया है x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो जिस तरीके से हमने हमारे पहले वाले एग्जांपल में रिलेशंस की ऑर्डर्ड पेयर निकाली थी, उसी तरीके से हम इस एग्जांपल में भी ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं। तो f इज इक्वल टू, अगर हम x की जगह पर 1 पुट करें तो
तो हमें y कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या 0 सेट b में है? यस। तो 1,0 विल बी अ वैलिड ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अगर हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा 1, तो यस 2,1 इज अ वैलिड ऑर्डर्ड पेयर। और अगर हम x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा 2, एंड अगर हम x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां पर हमने एक रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए हैं। इसको भी अगर हम एरो डायग्राम से समझें तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे, और सेट बी में 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब 1 इज लिंक टू 0, 2 इज मैप टू 1, 3 इज मैप टू 2, एंड 4 इज मैप टू 3। अब हम अगर बात करें क्या ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है, तो फिर से हमें दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन थी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ इमेज इन सेट बी, तो यहां पर 4 एलिमेंट थे और चारों ही एलिमेंट की इमेज हमें सेट बी में मिल रही है। और दूसरी कंडीशन थी हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो दिस कैन डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट की दो इमेज होती, सपोजिंगली 1 की एक इमेज 3 भी होती, 1 यहां पर 0 से भी लिंक हो रहा है और 3 से भी, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शन। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका है कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो दो कंडीशन फॉलो करता है, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे जिससे फंक्शन और रिलेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम दो सेट बनाने वाले हैं और दोनों सेट में हम कुछ लोगों के नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट बनाया और इसमें हमने नाम लिख दिए राम, श्याम, सीता और गीता। क्या हो गया, बोरिंग है? कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। सलमान, शाहरुख, करिश्मा। और दूसरा सेट बनाएंगे, इस सेट में हम नाम लिख देते हैं सोहेल, करीना, अरबाज, अनिल, ठीक है। और इस रिलेशन को हम नाम देते हैं सिबलिंग, मतलब सेट ए और सेट बी में जो लोगों के नाम लिखे हैं वो आपस में एक दूसरे के सिबलिंग हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सलमान का एक सिबलिंग है सोहेल और अरबाज भी, ठीक है। शाहरुख भैया का कोई भाई बहन नहीं है। करिश्मा की बात करें तो करिश्मा की एक सिस्टर है करीना, ठीक है। अब यहां से अगर हम रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो हमको क्या ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी वो देख लेते हैं। सलमान, अरबाज, सलमान, सोहेल, करिश्मा, करीना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। अब हम चेक करते हैं क्या जो ये रिलेशन है वो फंक्शन भी है। तो डेफिनेटली जो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं हमें वही चेक करनी होगी। कंडीशन याद है कि भूल गए? पहली कंडीशन थी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ इमेज इन सेट बी, लेकिन यहां पर जो शाहरुख है इसकी कोई भी इमेज हमें नहीं मिल रही है तो ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन भी चेक करके देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज, मतलब किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर सलमान इज मैप्ड विद सोहेल एंड सलमान इज मैप्ड विद अरबाज, मतलब सलमान की दो इमेज बन रही है, मतलब दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएंगी। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। यहां पर हमने एक सेट लिया ए और दूसरा सेट लिया बी, जैसे कि अभिषेक, राहुल जी और रणवीर। यहां पर हम लिख लेते हैं सोनिया जी, जया, नीतू और सुष्मिता, और इस रिलेशन को हम नाम दे देते हैं चाइल्ड मदर। अब ध्यान से देखना, यहां पर हमने अभिषेक को मैप किया जया के साथ, राहुल जी को मैप किया सोनिया जी के साथ और रणवीर को मैप किया नीतू जी के साथ। अब हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है। फिर से वही दो कंडीशन चेक करनी होती बेटा। पहली कंडीशन थी एवरी एलिमेंट शुड हैव वन इमेज इन सेट बी, मतलब अभिषेक
लिंक्ड है, राहुल जी लिंक्ड है, रणवीर लिंक्ड है, मतलब हर एलिमेंट की हमें एक इमेज मिल रही है। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन होती है कि किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो इमेजेस हैं? मुझे तो नहीं दिख रही है। तो ये जो है डेफिनेटली एक फंक्शन कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, तो हम फंक्शन को किस रिलेशन का नाम देते हैं वो यहां लिखा है। मतलब फंक्शन एक माँ बेटे के रिलेशन जैसा वर्क करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। यहाँ पर सेट ए जो है उसमें हमने कुछ बच्चों का नाम लिखा है और सेट बी जो है उसमें हमने कुछ वुमेन का नाम लिखा है। ठीक है, अब जिस तरीके से किसी बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती, उसी तरीके से हमारा सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से लिंक नहीं कर सकता। एंड सेकेंडली देयर कैन बी नो चाइल्ड विदाउट अ मदर, सेम वे हमारे सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जिसकी इमेज सेट बी में ना हो। ठीक है, तो जैसे कि माँ बेटे का रिलेशन होता है उसी तरीके से फंक्शन भी वर्क करता है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, यहां पर एक वुमेन का नाम हमने खाली छोड़ दिया। मतलब कैन इट बी पॉसिबल फॉर अ वुमेन टू हैव नो चाइल्ड, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वुमेन का कोई बच्चा ना हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे की कोई माँ ना हो। इसीलिए सेट बी का एलिमेंट खाली छूट सकता है लेकिन सेट ए का एलिमेंट खाली नहीं छूट सकता। सो आई होप इस एग्जांपल से आपका फंक्शन वाला फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है एरो डायग्राम का और ये जो डायग्राम है ये दो सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स के साथ मैप्ड हैं, राइट? और अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो पहली कंडीशन होती है एवरी एलिमेंट शुड लिंक विद वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ पर चारों एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड हैं, राइट? तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन में हमने बात करी थी कि एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज, मतलब कोई भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, सो दिस एग्जाम्पल कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन। अब बात आती है कि डोमेन कैसे निकालें और डोमेन होता क्या है। तो थोड़ा सा रिकॉल करिए, जब हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन में हमने डोमेन की डेफिनेशन बताई थी, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। ये जो हमारा सेट ए होता है उसे हम इनपुट कंसिडर करते हैं और जो सेट बी होता है उसे हम आउटपुट कंसिडर करते हैं, राइट? तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स हमारी डोमेन थी। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जितनी भी इनपुट्स हैं वो हर इनपुट किसी ना किसी आउटपुट के साथ मैप्ड होती है, मतलब सारी ही इनपुट जो हैं वो हमारे लिए परमिसिबल है। तो इस केस में, फंक्शन के केस में जो हमारा सेट ए है वो डोमेन कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट परमिसिबल होता है। क्लियर हुई बात? और अगर हम बात करें कोडोमेन की और रेंज की, तो कोडोमेन एंड रेंज आर सेम एज रिलेशन, मतलब फंक्शन का और रिलेशन की कोडोमेन और रेंज सेम होती है। तो एक बार रिवाइज कर लें, जो हमारा सेट बी होता है इसे हमने कोडोमेन कंसिडर किया था, राइट? और जो रेंज होती है उसकी डेफिनेशन थी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, मतलब इस सेट में से जो जो एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ मैप्ड हैं वो एलिमेंट्स का सेट हमारा रेंज कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में बात करें तो केवल एक्स वाई और जेड ही किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप्ड हैं। ये जो डब्ल्यू है ये किसी के साथ मैप्ड नहीं है। तो जो हमारी रेंज होगी बेटा इस केस में वो सेट होगा एक्स वाई और जेड का। क्लियर है? W is not included in range। और एक और बात ध्यान देना, जो हमारी रेंज आएगी वो हमेशा इसी सेट से आएगी, मतलब रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होगी कोडोमेन की। सो दिस इज द थ्योरी फॉर डोमेन कोडोमेन एंड रेंज फॉर द फंक्शन। आई होप आपको डेफिनेशन से कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एज ऑलवेज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि डोमेन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड देर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक,
सो वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डोमेन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी हम इसको स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का मतलब होता है कि हम फंक्शंस में कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली चार ऑपरेशंस होते हैं जो हम अप्लाई करेंगे फंक्शंस पे। पहला ऑपरेशन हो जाता है एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f ऑफ x और g ऑफ x, तो हमें इन दोनों को ऐड या सब्स्ट्रैक्ट कैसे करना है, मतलब आपको f प्लस g या फिर f माइनस g निकालना आना चाहिए। तो अगर आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन हैं, सिंपली आप लिख सकते हो f प्लस g ऑफ x जो है वो आपका f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। सेकंड जो हमारा ऑपरेशन होता है, दैट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और हमें इस फंक्शन को किसी स्केलर a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर हमें a f निकालना है, तो जो हमारा f x होगा उसको हमें पूरे f x को a से मल्टीप्लाई करना होगा। This is called multiplication of a function by scalar. ये भी अभी हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। थर्ड जो हमारा ऑपरेशन है, that is multiplication of two functions. इसमें भी हमारे पास दो functions होंगे f of x और g of x. और अगर हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर आपको f into g निकालना है, तो that will be equal to f of x into g of x. एंड जो फोर्थ हमारा ऑपरेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। मतलब f अपॉन g निकालना हो या g अपॉन f निकालना हो, दिस विल बी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। यहां पर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x माइनस 1 और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर हमें इन दोनों फंक्शन को ऐड करना है, मतलब आपको यहां से निकालना है f प्लस g और दूसरी चीज आपको निकालनी है f इंटू g, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। f प्लस g जब हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस g ऑफ x करेंगे, राइट। f ऑफ x था हमारा x माइनस 1 एंड g ऑफ x था हमारा x स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा f x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, मतलब f प्लस g इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। और अगर हमें f इंटू g निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, दैट इज x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी ऑपरेट ऑन फंक्शंस। मतलब किस तरीके से हमें फंक्शंस पे ऑपरेशंस अप्लाई करना है, वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर आपको f को मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से, मतलब अगर आपको 2f निकालना है, तो इस पूरे फंक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 2f इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये आ गया हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन का एग्जाम्पल। तो इससे आई होप आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि डोमेन और रेंज पे वी विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोस, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इन पे करने वाले हैं। और अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो। और अगर डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।